इंडियन नेशनल लोकदल की एक मीटिंग का आयोजन करनाल के जाट भवन में किया गया है, जिसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया को जानकारी देते हुए नफे सिंह राठी ने बताया कि वह पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी देवीलाल के द्वारा लगाया गया पौधा है, जो हमेशा हर वर्ग के हित में कार्य करते हैं और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलकर किसान का मेरे वर्ग की आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अब देश में केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में जो काले कानून लाए गए हैं, ये किसानों को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब किसानों ने ही इन काले कानूनों की मांग नहीं की तो सरकार इन पर क्यों थोपना चाहती है। नफे सिंह राठी ने बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल शुरू से ही किसान आंदोलन के समर्थन में है, जिसके चलते इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने पूरे देश में सबसे पहले किसानों के हित में अपना पद त्याग दिया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में जो किसानों द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और किसानों को न्याय दिलाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर इनेलो पार्टी से जुड़े बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। कार्यकारिणी की मीटिंग है और मुख्य लोगों को भी बुलाया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है और साथ ही साथ जो किसानों का धरना चल रहा है दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ दिल्ली, उस धरने को भी मजबूत करने के लिए हम आए हैं और किसानों से ये अपील करने के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाने के लिए भी कि दिल्ली के चारों तरफ चल रहे धरने को मजबूत बनाने के लिए आप किसानों के बीच में जाएं, गांव-गांव जा करके कमेटियों का गठन करवाएं और उस धरने को भी कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि आज फसल का समय कटाई का नज़दीक आता जा रहा है। हमारे एरिया में राजस्थान के साथ वाला जो एरिया है उसमें तो सरसों की कटाई लगभग शुरू भी हो चुकी है, इसलिए किसान ने अपनी फसल भी काटनी है और धरने को भी मजबूत रखना है। तो वो सारी बातों को लेकर के कार्यकर्ताओं को, मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनसे डिस्कस करेंगे और उनकी ड्यूटी लगाएंगे। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें इनेलो का क्या रहेगा? अगर सही मायने में हरियाणा में किसी ने आवाज़ उठाई सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आवाज़ उठाई है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले किसान बिलों का विरोध किया था, न केवल विधानसभा में बल्कि विधानसभा से बाहर भी, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए थे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिए थे। तो और किसी पार्टी ने तो कोई किसानों के लिए आवाज़ उठाई नहीं है। तो किसान यात्रा में क्या साथ देंगे उनके साथ यात्रा? किसान संगठन जो भी उनका फैसला होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनके फैसले के साथ है और कंधे से कंधे मिला करके किसानों की मदद में लगी हुई है। कोई संगठन का गठन भी किया जाएगा, जैसे पूरे प्रदेश में आप दौरे कर रहे हैं? संगठन को भी मजबूत करने का काम है, प्लस में किसान आंदोलन को भी मजबूत करने का काम है, हम दोनों ही काम पे लगे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।